Hello everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy, and as you know, this is the second part of first chapter, that is Nature of Financial Management. तो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, उसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं प्लीज ध्यान में रख लीजिए. When it comes to dividend decision, take into consideration the distribution as well as retention ratio, that is dividend payout ratio as well as retention ratio. When it comes to financing decision, you will talk about capital structure, and when it comes to investment decision, you will talk about capital budgeting. ठीक है, उसके अलावा हमने assets की जो types हैं वो करी थे discuss. Hope you are clear with this. So अब हम चलते हैं short term financial decision. याद रखिए, जैसे long term में हमारे तीन aspect थे, that is हमारा डिविडेंड, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन में बस लिक्विडिटी डिसीजन होते हैं. लिक्विडिटी मतलब हाथ में आपकी, आप क्या करंट एसेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, इतने आपके पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास करंट एसेट्स हैं कि आप करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके और हाथ में आपका सफिशेंट पैसा हो. तो हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में मैनेजिंग, जब हम मैनेज करते हैं करंट एसेट्स को, कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप करंट एसेट्स को आइडल पड़े रहने देंगे, कुछ यूज़ नहीं करेंगे, या आपके पास कैश है उसको आइडल पड़े रहने देंगे, तो उससे लॉस क्या होगा हमें, कि वो वेस्ट जाएगी हमारी आइडल मनी. ठीक है, हम इन्वेस्ट क्योंकि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सो यहाँ पर इसके ट्रेड ऑफ को, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का ट्रेड ऑफ मेंटेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी ट्रेड ऑफ. ठीक है, सो उसके अलावा हमारा सेकेंड जो ट्रेड ऑफ है वो होता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. देखिए, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली जब भी आप ये इसकी डायग्राम देखते हैं, आपको तो ये रट चुकी होगी ये डायग्राम. इसमें रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम का बात किया जाता है. रिस्क फ्री रिटर्न होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. When it comes to guys, risk free return, it means इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो यूज़ हो रही है सिक्योरिटीज़, वो है कौन सी सिक्योरिटीज़? ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, उनमें पैसा लगाना बिल्कुल रिस्की नहीं होता है. इट्स रिस्क फ्री, सो दैट्स वाई रिस्क फ्री रिटर्न यूज़ किया जाता है. एंड वेन इट कम्स टू रिस्क प्रीमियम, इट मीन्स ये वैसी एसेट है जिसमें आपको ज़्यादा रिस्क है, हायर रिस्क है. तो ये जनरली गवर्नमेंट नहीं होती है. ये कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं? ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं गाइज, जिनमें हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं या रिस्क ज़्यादा होता है. हम उस पर श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हमें मिलेगा ही मिलेगा. एक हो गया ज़्यादा रिस्क वाला, एक हो गया कम रिस्क का. इन दोनों में जब हम ट्रेड ऑफ मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. दैट इज़, देखो, ज़्यादा रिस्क वाला लिया तो हमें है कि चलो लॉस भी हो सकता है, लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो उसको क्या कर देती हैं, वो उसको रिस्क फ्री रिटर्न वाली सिक्योरिटीज़, हम इतना तो पता ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर एग्जांपल 10% आना ही आना है, तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कंपेंसेट कर देता है, तो वो ट्रेड ऑफ मेंटेन हो जाता है. सो दैट्स व्हाई गाइस, जब हम रिटर्न की बात करेंगे तो उसमें रिस्क फ्री रेट भी होगा और रिस्क प्रीमियम भी होगा, और जो बैलेंस बिटवीन द टू है, द बैलेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, हमारे पास एजेंसी प्रॉब्लम. एजेंसी प्रॉब्लम में क्या है, सुना हो ना आपने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप. तो गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा प्रिंसिपल होता है मैनेजर और एजेंट होता है शेयर होल्डर्स. एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स, मैनेजर होता है प्रिंसिपल. देखो, मैनेजर को पता है किससे लेना देना होता है, अपनी सैलरी से, दैट इज़ उससे ना प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट से लेना देना होता है. और शेयर होल्डर्स को जनरली क्या होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट और डिविडेंड मिले. तो इन दोनों में ना बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है. प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स आर कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम. शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट
और मैनेजर के इंटरेस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जनरली एजेंट की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो सफ़र करता है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। सो एजेंसी प्रॉब्लम क्या है गाइस? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। इसके अलावा हमने एक और चीज़ होती है, दैट इज़ एजेंसी कॉस्ट। देखो, अब एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेयर होल्डर्स पता क्या करते हैं, वो हमेशा निगरानी रखते हैं कि मैनेजर्स हमारे पैसों का सही यूज़ कर रहे हैं, मैनेजर्स हमारे पैसों को गलत तो नहीं यूज़ कर रहे। तो उसके लिए वो क्या करता है, एजेंसी कॉस्ट में वो कुछ खर्च करता है। खर्च क्या है? सबसे पहले कि उसे शेयर होल्डर्स की जो हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है उससे कम अमाउंट तो नहीं मिल रही। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट इंकर टू मॉनिटर मैनेजर्स। जो मॉनिटर करना है मैनेजर्स को, उसके अलावा गाइस कॉस्ट इंकर टू मॉनिटर मैनेजर, मैनेजर्स के ऊपर निगरानी रखना और ये देखना कि हमें अपनी वैल्यू से कम पैसे तो नहीं मिल रहे, इसे हम बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा क्या याद रखना है, अब हमारे नए टॉपिक हैं कुछ जो इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज ऑब्जेक्टिव वर्सेस डिसीजन क्राइटेरिया। हमारे ऑब्जेक्टिव जनरली क्या होता है, मिशन, गोल, स्ट्रैटेजी। इसका जो है बाकी सब्जेक्ट्स में भी रोल है, मिशन, स्ट्रैटेजी, गोल क्या होते हैं, तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेन बेसिकली यहाँ पर क्या हमने देखना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी विजन, मिशन और वैल्यूज़ में डिफरेंस। ठीक है, विजन, मिशन और वैल्यू। विजन क्या होता है, दूर की सोच। हम अपने आप को 20 सालों के बाद, 30 सालों के बाद क्या देखते हैं, जो भेल कंपनी है उसका विजन क्या है कि हमने वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग एंटरप्राइज बनानी है। उसके नीचे मिशन, मिशन क्या होता है, उस विजन को पूरा करने के लिए छोटे छोटे मिशंस। तो मिशन उसका क्या है, सबसे पहले मैंने मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज बनानी है जिसमें प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, ये होगा, वो होगा। तो 20-30 सालों की जो प्लानिंग है उसको 4-4 सालों की प्लानिंग में समझो, फॉर एग्जांपल हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मिशन। और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं। वैल्यूज़ क्या जुड़ी होती है, हम बुरा काम नहीं करेंगे, हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, हम जो है लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड वैल्यूज़। तो ऑब्जेक्टिव वर्सेस डिसीजन क्राइटेरिया होता है, ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गया क्या होता है, और डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि जब भी हम डिसीजन लेंगे तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर में होगा। ठीक है, इसके अलावा है, मैंने आपको बोला था कि हेड्स के बारे में हम देखेंगे, पेपर में अगर आ गया, जनरली ये आया हुआ है, तभी मैंने ये इसके बारे में नोट्स बनाए हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जब भी वर्ड आए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो यू विल से चीफ फाइनेंस ऑफिसर। और जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है वो लाइन और स्टाफ दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके नीचे आता है गाइस EDF, EDF को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। ही लुक्स आफ्टर द फंडिंग एंड बजटिंग, कॉस्ट एंड कॉस्ट कैश मैनेजमेंट। ये किसके ऊपर देखता है गाइस, फंड्स अच्छे से बन रहे हैं, फंडिंग को देखना है, बजट हमारा ख़राब ना हो, मतलब ये पैसों से रिलेटेड सारा काम जो फंडिंग, बजटिंग एंड कॉस्ट और कैश मैनेजमेंट है वो इसके अंडर लगकर, मतलब पूरा टोटल हेड, वैसे ओवरऑल हेड है एग्जीक्यूटिव हेड, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है दैट इज़ चीफ फाइनेंस ऑफिसर। उसके नीचे हमारा आता है EDF जो कि फंडिंग वगैरह देखेगा। उसके नीचे आता है GMF, दैट इज़ जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस। वो क्या देखेगा, वो हेल्प करेगा एक तो EDF की, दैट इज़ असिस्ट हिम, और वो इंटरनल ऑडिट और टैक्सेशन करने में हेल्प करेगा। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ किसका, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, उसका जो क्रक्स है मैंने ये 4 पेजेस में आपको करवाया है और 2 वीडियोस इस पर बनी हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नया एक चैप्टर करेंगे, ठीक है, कैपिटल बजटिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, एक एक चैप्टर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।